हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग कम कपड़े में कुर्ती बनाना बताएंगे और उसकी फिटिंग लगाना भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम अपने कपड़े को पूरा खोल के रख लेंगे, देन उसे हाफ में इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसे दोबारा हाफ में फोल्ड करेंगे। कपड़े को दो बार फोल्ड करने के बाद आपको इसके एक साइड पे सारे बंद पार्ट्स मिल जाएंगे और उसके दूसरी साइड पे आपको ओपन पार्ट्स मिल जाएंगे। अब हम बंद साइड से अपने मार्किंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ से अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम बोट गला बना रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा देंगे। अगर आप नॉर्मल गला बना रहे हो तो आप यहाँ पे 6.5 ही लीजिए। देन उसके बाद वहाँ से नीचे की तरफ हम लोग 6.5 इंचेस का लेंगे। अब हम उसके नीचे से ही अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो आपका जो भी मेजरमेंट होगा उसको आपको 4 से डिवाइड कर देना है, देन उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हमारा डिवाइड करने पे आ रहा है 7.9 इंचेस। अब इसमें हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, यानी 9.9 इंचेस पे हम लोग यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब हम यहीं पर अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगा लेंगे, देन हल्के हाथ से यहाँ पर कर्व बना देंगे। अब हम ऊपर की तरफ से अपने कमर के पॉइंट पर निशान लगाएंगे। तो आपका जो मेजरमेंट होगा उसमें आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा कंधे में हाफ इंच आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें 13.5 पर निशान लगाना है। अब हमें इसी जगह पे अपने कमर का निशान लगाना है। तो आपका कमर का जो मेजरमेंट होगा उसको आपको 4 से डिवाइड करना है, देन उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा डिवाइड करने पे आ रहा है 6.9 इंचेस। अब इसमें 2 इंच ऐड किया, यानी 8.9 इंचेस पे हम निशान लगा लेंगे। अब हम इन दोनों मार्क को आपस में जोड़ देंगे। अब हमें ऊपर की तरफ से लेते हुए अपने हिप के पॉइंट का निशान लगाना है। तो यहाँ पे आपका जितना मेजरमेंट रखना है उसमें भी आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग 19.5 पे निशान लगा देंगे। देन उसके बाद हम अपने हिप के मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करेंगे, देन उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा डिवाइड करने पे आ रहा 8.2। अब इसमें हम लोगों ने 2 इंच ऐड किया, यानी 10.2 पे हम लोग यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट को भी आपस में जोड़ देंगे। आपको बिल्कुल गोलाई मिलाते हुए इसे जोड़ना है। अब हिप के निशान से नीचे की तरफ आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। देन उसके बाद हम अपने लेंथ का निशान लगाएंगे। तो आपको अपने सूट की जितनी लेंथ चाहिए उसमें आपको 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर कंधे में जाएगा और बाकी 2.5 इंच हमारा नीचे की तरफ फोल्डिंग में जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी टोटल लेंथ लेंगे 43 इंचेस और नीचे की तरफ 43 इंचेस पर निशान लगा देंगे। यहाँ पे हमने हिप के नीचे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके अपनी लेंथ का भी निशान लगा लिया है। अब हम इन सारी मार्किंग की कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद आप जब अपने कपड़े को ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से 2 पार्ट में मिल जाएगा। तो हम जो यहाँ पे अपनी कुर्ती बना रहे हैं इसे हम कट स्लीव रखेंगे, इसीलिए हम लोग अपने आगे वाले पार्ट में कुछ भी कटिंग नहीं करेंगे। बट अगर आप अपने कपड़े में स्लीव लगा रहे हैं तो आपको अपने दोनों में से आगे वाले पार्ट को हाफ में फोल्ड करना है, देन इसके आर्म होल पे हाफ इंच का गैप लेके कटिंग कर देनी है अंदर की तरफ, जिससे कि स्लीव लगाने के बाद इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी है। बट अगर आप इसे स्लीवलेस रख रहे हैं तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम अपने दोनों पार्ट में गला बना लेंगे। तो हमने इसकी वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आपको ऊपर आई बटन से उसकी वीडियो मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड में भी आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने दोनों पार्ट्स में गला बना लिया है। अब इसके बाद हम इसको शोल्डर को जोड़ेंगे। तो शोल्डर को अटैच करने के लिए आपको अपने कपड़े को इस तरीके से रख लेना है, इसके दोनों राइट पीसेस अंदर की तरफ आने चाहिए, देन उसके बाद इसे एक के ऊपर एक अच्छे से रखना है और इसे स्लांट पे नीचे की तरफ लेते हुए अपने कंधे को जोड़ लेना है। तो यहाँ हमने अपने दोनों कंधों को आपस में जोड़ लिया है। अब हम अपने कपड़े में फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए आपको अपने कपड़े के एक पार्ट को इस तरीके से हाफ में अच्छे से फोल्ड करके रख लेना है। अब हम आर्म होल के नीचे से अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। अब आपको अपने चेस्ट के मेजरमेंट को 4 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं डिवाइड करने पाया था 7.4, तो हम यहाँ पे 7.4 पे निशान लगा लेंगे। अब आपको शोल्डर की सिलाई के नीचे से अपने वेस्ट के पॉइंट का मेजरमेंट लेना है, तो हम यहाँ पे 13 इंचेस पे पूरा निशान लगा देंगे। आपको इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है।
अब आपको अपने वेस्ट के मेजरमेंट को भी 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हमारा डिवाइड करने पे आता है 6.5 इंचेस, तो हम यहाँ पे 6.5 पे निशान लगा लेंगे और इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे। अब आपको शोल्डर के नीचे से ही फिर से आपको अपने हिप का पॉइंट का निशान लगाना है, तो यहाँ पे हम फिर से 19 इंचेस पे ही निशान लगाएंगे, तो आपको एग्जैक्ट वहीं पे निशान लगा लेना है। अब हम अपने फिर से हिप के मेजरमेंट को डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो यहाँ पे हमारा डिवाइड करने पे आता है 7.4, तो हम यहाँ पे 7.4 पे निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में जोड़ देंगे। आपको वेस्ट के पॉइंट को जोड़ते हुए आपको हल्की सी गोलाई लाते हुए इस तरीके से जोड़ना है, देन हिप को पॉइंट से इस तरीके से आपको आगे की तरफ निशान लगा देना है, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि आपको यहीं तक सिर्फ सिलाई लगानी है, और आपको चेस्ट के मेजरमेंट को ऊपर की तरफ इस तरीके से बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे हमने इसके एक साइड पे तो फिटिंग का निशान लगा लिया है, बट हमें पीछे की साइड भी ये निशान लगाना है, तो आप इसे इस तरीके से मोड़ते हुए भी निशान लगा सकते हैं, बट इससे मार्किंग अच्छी नहीं आती, इसलिए हम लोग इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। आपको इसे अच्छे से इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और दोनों पार्ट्स को एक के ऊपर एक रखना है। तो फोल्ड करने के बाद आपको अपने निशान के ऊपर हल्के हाथ से इस तरीके से निशान को दबाना है, जिससे कि इसकी दूसरी साइड पे भी हमारे निशान छप जाए। तो यहाँ पे हमारे इसके दूसरी साइड पे भी निशान छप गए हैं, अब हम इसे डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों साइड निशान मिल गए हैं। अब हम अपने कपड़े को एक के ऊपर एक रखते हुए इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो हमने इसके दोनों साइड पे अपने फिटिंग का निशान लगा लिया है, बट फिटिंग का निशान लगाने के बाद हमारे शोल्डर का गैप काफ़ी कम हो गया है, तो हमें इसे बढ़ाने के लिए आपको अपने कपड़े को सेंटर से फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। तो कपड़े को फोल्ड करने के बाद अब हम अपने आर्म होल की कटिंग करेंगे इस साइड से। तो आपको जितना आपको शोल्डर रखना है उसमें आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इसकी कटिंग करनी है, तो हम यहाँ पर 3.5 का रखते हुए इसे कट करेंगे, तो हम यहाँ पर 3.5 पर निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद हमें अपना देख लेना है कि हमें अपना जो आर्म होल है वो कितना खुला हुआ चाहिए, मतलब उसका ज़्यादा गैप तो नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हमें 6.5 तक का ही चाहिए, तो हम यहाँ पे 6.5 पे ही इस तरीके से निशान लगा लेंगे। आपको इसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं करना है। अब इसके बाद हम उसी पॉइंट से हल्की सी गोलाई लाते हुए ऊपर वाले पॉइंट से जोड़ देंगे। अब हम अपनी मार्किंग की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने दोनों आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद आपको अपनी फिटिंग वाली सिलाई को हल्का सा खोलते हुए उसके बाद इसमें हम लोग तिरछी पट्टी लगा के अपने आर्म होल को कंप्लीट कर लेंगे। तो तिरछी पट्टी लगा के हमने अपने दोनों आर्म होल को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद आपको अपने सूट को उल्टा करके रख लेना है, देन उसके बाद हम नीचे की तरफ से इसे फोल्ड करेंगे। तो आपने जहाँ पे अपने हिप की सिलाई लगाई थी आपको बिल्कुल उसी जगह से इसे ऐसे अलग कर देना है। उसके बाद हाफ इंचेस अंदर की तरफ डालते हुए इस तरीके से अंदर की तरफ डाल देना है। उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे हम लोग। आपको इसे पूरे में एकदम स्ट्रेट रखते हुए सिलाई लगा लेनी है, और सेम ऐसे ही हम लोग इसके बचे हुए सारे पार्ट्स में भी कर लेंगे इस तरीके से। तो हमने अपने आगे और पीछे दोनों पार्ट के तीनों साइड पर इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। हमारी कुर्ती बनके तैयार हो गई है। अगर आप इसके गले बनाने की वीडियो देखनी है तो लेफ्ट साइड के बॉक्स पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको नीचे के पैंट की वीडियो देखनी है तो राइट साइड के बॉक्स पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। बाय बाय।